हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों बता दूं कि सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य का लास्ट एपिसोड बेहद शानदार रहा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा सीरियल भी देखा, क्योंकि हमें पूरा सीरियल की वही झलक फिर से देखने को मिली, वही वेशभूषा और वही शौर्य। दोस्तों बता दूं कि कल के एपिसोड में हम सभी ने देखा रुद्रदेव को, जो कि पौरव राष्ट्र के सेनापति बताए गए सीरियल के अंदर, और वहीं पे दोस्तों चाणक्य उनसे पूरा सपोर्ट मांगते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं कि अगर वे अपनी सेना का पूरा बल चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सौंप देते हैं, उनकी बागडोर चंद्रगुप्त मौर्य को हाथ में सौंप देते हैं, तो वे अखंड भारत की नींव रखेंगे और पौरव राष्ट्र को भी स्वतंत्र करा लेंगे सेल्यूकस और धनानंद के हाथों से। तो ऐसे में आने वाला एपिसोड बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रुद्रदेव यानी पौरव राष्ट्र के सेनापति किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को इसके लिए क्या प्रयास करने होंगे। लेकिन दोस्तों अगर जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता मिलती है पौरव राष्ट्र की, तो ये तो पक्का हो जाता है कि आने वाला युद्ध जो कि चंद्रगुप्त मौर्य पौरव राष्ट्र की सेना के साथ लड़ने वाला है वह बेहद ही शानदार होगा, क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य दांत खट्टे कर देगा धनानंद और अपने सभी शत्रुओं के। क्योंकि हम सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले पौरव सीरियल में किस प्रकार राजा महान राजा पोरस ने अपनी पूरी प्रजा को अपने वीर और साहस के साथ सींचा, और उनकी नींव में आज भी पौरव राष्ट्र यानी राजा पोरस की वीरता और साहसता बसी है। तो ऐसे में अगर एक भी व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के साथ खड़ा होता है पौरव राष्ट्र का, तो उसकी शक्ति दुगनी होने वाली है, क्योंकि पौरव राष्ट्र का हर एक व्यक्ति राजा पोरस के कहे अनुसार आज भी चलता है, जैसा कि हम सीरियल में देखने वाले हैं। जैसा कि चाणक्य ने भी लास्ट एपिसोड में बताया कि पौरव राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि धनानंद के हाथों में या फिर सेल्यूकस के हाथों में बागडोर रहे पौरव राष्ट्र की। ऐसे में आने वाला एपिसोड बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता मिल जाएगी पौरव राष्ट्र की और पौरव राष्ट्र की पूरी प्रजा की। जैसा कि हम रियल हिस्ट्री में भी जानते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराने के लिए कई सारे छोटे छोटे प्रांतों की सहायता ली थी, जो कि नंदवंश के राज्य से काफी ज्यादा परेशान थी, जो कि उनसे आहत हो चुकी थी, काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और वहीं पे डाकुओं से लेकर छोटे मोटे मोर्चे करने वाले व्यक्तियों का भी चाणक्य ने सहायता ली और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने साथ एक बड़ी सेना खड़ी की और धनानंद को परास्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऐसा ही हमें सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य में भी देखने को मिल सकता है आने वाले एपिसोड्स में। तो आने वाले एपिसोड बेहद शानदार होने वाले दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आप कितने एक्साइटेड है पौरव राष्ट्र का फिर से चैप्टर देखने के लिए सीरियल पौरव में, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें। और अगर और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।